नमस्कार, मैं उर्विका सारस्वत एनएनई 64 में आपका स्वागत करती हूँ। राजस्थान के पूर्व प्रदेश महासचिव दयाराम चावड़ा के नेतृत्व में सचिन पायलट के जन्म दिवस के अवसर पर 5100 पौधों का पौधारोपण किया गया। उन्होंने स्पेशली उनके निवास जयपुर के निवास में जाकर उन्हें बधाइयाँ दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। माननीय सचिन पायलट जी ने सभी लोगों को किया धन्यवाद और बुजुर्गों से किया आशीर्वाद प्राप्त। नमस्कार, आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर बहुत से लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अनेकों लोगों ने आकर आज अपना आशीर्वाद, सानिध्य, स्नेह और समर्थन मुझे दिया। मैं दिल की गहराइयों से लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और हमेशा कायल रहूंगा। जिस प्रकार आप लोगों ने आज ताकत और समर्थन दिया, उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार का स्नेह बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। कानपुर में आज वाल्मीकि दल शपथ ग्रहण समारोह और पारदर्शिक बुजुर्ग समारोह का आयोजन किया गया। युवाओं और महिलाओं का क्या योगदान है? जो इसका मिशन है, जो इसका उद्देश्य है, युवा वाल्मीकि दल का सामाजिक परिवर्तन की दिशा में, उसमें युवा भी आगे बढ़कर सहयोग कर रहे हैं और महिलाएं भी आगे बढ़कर सहयोग कर रही हैं। जो भी प्रोग्राम लगेगा युवा वाल्मीकि दल का, कि हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान सब प्रकार से उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। इस काम कार्यक्रम का उद्देश्य है राष्ट्रीय युवा वाल्मीकि दल का समाज को आगे बढ़ाने का, समाज के जो भी काम है, जो अभी तक राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल किया करती थी, वो उनको संदेश जाए कि नहीं, वाल्मीकि दल भी अब अपने पैरों खड़ा हो गया और अपना अच्छा बुरा समझने लगा है। महिलाओं का योगदान, महिलाएं भी बराबर इस संगठन को बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए बराबर का जो है वो संघर्ष कर रही है और संगठन आगे जा रहा है। जी प्रभार पदभार पदभार अभी हमारे जो राष्ट्रीय युवा दल में प्रदेश लेवल में अभी महामंत्री बनाए गए हैं, जिसमें उपाध्यक्ष बनाए गए और लोकल में अध्यक्ष और महामंत्री बनाए गए। बाकी अभी हमारा काम चल रहा है और आगे जो है उसे करेंगे। कानपुर में आज झकरकटी पानी की टंकी को गंगा बैराज से जोड़कर चालू करने के लिए आर्य नगर के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने धरना दिया। इसलिए यहाँ हमने 2018 में लिखा पड़ी शुरू कर दी थी इस टंकी की, 2018 में आज नहीं कर दी थी। जवाब में सरकार ने हमसे बताया है कि 111 मीटर लाइन डाली गई थी, 141 किलोमीटर डालनी थी और 111 डाली थी, जिसमें से काम कर रही है केवल 35 किलोमीटर। तो माने गड़बड़ी तो हुई और मेरी ही लिखापढ़ी का परिणाम है कि आज आपने अखबारों में 2-3 दिन में पढ़ा होगा तो पिछले सारे घोटाले पर कार्रवाई हो रही है। हर अखबार लगा पड़ा, पिछले 3-4 दिन में पढ़ लो कभी। अब इस टंकी की बात अगर करें तो सरकार ने हमको लिख के दिया है कि ये जोनल पंपिंग स्टेशन झगड़कटी डंप की फीडर मेन में 120 मीटर का गैप है और एक टंकी फील खाना में। सरकार ने हमको लिखा पढ़ी में जवाब दिया 120 मीटर केवल।